गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी फ्रॉम रोशनी मिंद्रा चैनल। तो आज इस वीडियो में हम साइड पॉप हेयर स्टाइल कैसे बनाएं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से साइड में मांग लगा लेनी है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। साइड में मांग लग जाए उसके बाद आपको अपने हेयर को अच्छे से डिटेंगल कर लेना है। हेयर डिटेंगल हो जाए उसके बाद आपको सबसे पहले थोड़े से हेयर लेने हैं कुछ इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। उसको अच्छे से डिटेंगल करना है और उसे कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करना है और पफ का इफेक्ट देना है, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको आगे से थोड़े से हेयर लेने हैं, उसमें एड ऑन करने हैं और उसे भी ट्विस्ट करना है और दोनों को मर्ज कर देना है और अगेन पफ का इफेक्ट देना है। उसके बाद आपको तीसरी लेयर लेनी है और उसे भी मर्ज कर देंगे, ट्विस्ट करेंगे और पफ का इफेक्ट देंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें अपने आगे के सारे हेयर को कवर कर लेना है कुछ इस तरीके से। आगे से थोड़े से हेयर को कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे और पफ को ज्यादा फुलर लुक देने के लिए कुछ इस तरीके से पुल करेंगे। आगे का पूरा पफ बन जाए उसके बाद उसे बॉबी पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हमें दूसरी साइड के हेयर लेने हैं, उसे भी डिटेंगल करेंगे और उसमें थोड़ा सा बैक कॉमिंग करेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा बैक कॉमिंग करेंगे और उसे भी उसी पफ में मर्ज कर देंगे कुछ इस तरीके से और उसे भी बॉबी पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा साइड पफ बनके तैयार है। हमने आगे से हेयर को लिया है और साइड पफ बनाया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो हेयर को खुले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पोनी बना रही हूँ। तो हमें अपने सारे हेयर को ले लेना है और उसे एक रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है और अब हेयर का छोटा सा पार्ट निकालेंगे और उसे रबर बैंड के अराउंड कुछ इस तरीके से रैप कर लेंगे और एंड्स को बॉबी पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हेयर स्टाइल हो जाने के बाद मैं कानों में अच्छे से झुमकी डाल लूंगी तो यहाँ पे हमारा फाइनल लुक रेडी है गाइस। अब प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि ये हेयर स्टाइल कैसा बना है और अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड हेयर स्टाइल है तो भी मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो में आपकी क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।